पहाड़ी रास्तों में बहुत सारे घुमावदार मोड़ होते हैं। ऐसे मोड़ से अपने वाहन को गुजारते समय हमें सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, और अगर वाहन टू व्हीलर हो तो ये सतर्कता बढ़ जाती है। जरा सी भी लापरवाही या चूक हादसे को न्योता दे सकती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ भी दिखाई दे रहा है। वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें। वीडियो में आप देखेंगे कि एक घुमावदार मोड़ है, तभी आपको सामने से एक स्कूटी सवार आता दिखाई देगा। अच्छी बात यह है कि स्कूटी सवार ने हेलमेट पहना है। अब गड़बड़ ये होती है कि आप देखेंगे जैसे ही मोड़ आता है, स्कूटी सवार अपनी स्कूटी और बॉडी को एक तरफ आवश्यकता से अधिक झुका लेता है। ये हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा घुमावदार मोड़ होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा वाहन बैलेंस गड़बड़ाता है और एक तरफ हम झुकते हैं, यानी उस मोड़ से टर्न लेने के लिए स्वाभाविक रूप से हमारा वाहन और हम एक साइड अतिरिक्त भार डालते हैं। लेकिन जनाब को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक ही अपने आप को किसी बाइक रेस का प्रतिभागी समझ बैठे। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनकी स्कूटी देखिए, और बस यहीं पर ये गलती कर जाते हैं। ये मोड़ से तो निकल जाते हैं, लेकिन सामने जाकर जब वापस अपनी स्कूटी को पहले जैसी पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं कर पाते। स्कूटी एक तरफ अधिक झुकी होने की वजह से सीधे धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और सामने से वाहन आ रहे होते हैं। वो तो वाहन सवार सही समय पर ब्रेक लगा देता है, जिस वजह से इन महाशय की जान बच जाती है। जब भी आप ऐसे किसी रास्ते से गुजरें तो बेहद सावधानी बरतें, वाहन को अतिरिक्त अनावश्यक एक तरफ न झुकाएं, बड़ी सावधानी से बैलेंस बनाते हुए उस मोड़ को पार करें।